बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स प्लेट ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपने अपने कामों में कामयाब करे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। तो यहाँ मैंने दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसे काट के फ्राई होने रखा है। फिर उसके बाद मैं इसमें ये कीमा डालूँगी, कीमा भूनूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। ये आलू मैंने काट के रखे हैं, बाकी ये मसाला है। इसमें पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, और क्योंकि हम थोड़ा तेज़ स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए हरी मिर्ची भी डाली है और ये पिसी हुई मिर्ची भी डाली है। अब स्पाइसी खाते खाते बच्चों को भी आदत हो गई है, बच्चे भी स्पाइसी खाते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर स्पाइसी ना बने तो फिर वो कहते हैं क्या मरीज़ों जैसा खाना बना लिया। फिर वो हरी मिर्चें खाते हैं कच्ची, इसलिए तो मैं थोड़ा सही बनाती हूँ। और ये इसमें हरी मिर्चें भी हैं, दो टमाटर हैं, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं बना रही थी साथ साथ, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे ताज़ा ही पसंद है। जो ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालने का अपना टेस्ट आता है ना, वो मुझे स्विच का रखा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कल फिर से मंडे है और फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी, वही बच्चों का स्कूल, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद वही घर के काम, ब्ला 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 ब्ला, वही रूटीन। लोगों के वीकेंड पता नहीं कैसे इतने अच्छे अच्छे गुजर जाते हैं, एक हमारा है नॉर्मल दिनों की तरह ही रहता है, वही घर में और घर के काम, बस ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना घूमना, बस घर में अपना, बल्कि उल्टा बोर ही होता है। दूध यहाँ हमारा गर्म हो गया, इसका चूल्हा बंद कर दिया। तो यहाँ प्याज हमारी फ्राई हो गई थी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब यहाँ मैंने इसमें कीमा शामिल किया है, कीमे को थोड़ा सा भूनूंगी। तो यहाँ हमारा कीमा फ्राई हो गया है, मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाला डाल के मैं इसमें फौरन पानी शामिल करूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि आपका कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, तो आप कैमरे को एक जगह पे रखें। तो क्योंकि कैमरा मेरा इसलिए हिलता है क्योंकि मेरे हाथ में होता है मेरा सेलफ़ोन, मेरे पास अभी इसकी स्टिक वगैरह नहीं है, स्टैंड वगैरह नहीं है। तो जब मैं वो ले लूँगी तो मतलब इसको फिक्स कर दूँगी फिर एक जगह, अभी वो नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा हिलता है। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लिया करें, माजरत। यहाँ मसाला हमारा भून रहा है, तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, अब मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा शोरबे वाला सालन बनाना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो फिर वो शोरबा भी बन जाएगा और उसी में आलू भी गल जाएंगे। साथ इसमें मैं मिर्चें भी डालूंगी। तो यहाँ हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, आलू भी गल चुके हैं,
और बस इतना शोरबा रखना है। अब हम इस पे ये धनिया डाल देंगे। हाँ, थोड़ा सा ख़राब धनिया गिर गया था तो वो मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ हमारा आलू की भी रेडी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।